फ्रेंड्स, M2M फेरीज बुक करने के लिए आपको M2M फेरीज मोबाइल ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। तो चलिए, टिकट कैसे बुक करते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है हम आपको सब बताएंगे। तो चलिए करते हैं टिकट बुक। फ्रेंड्स, मैंने ऐप को ओपन कर लिया। अब मुझे अपनी टिकट बुक करने के लिए अकाउंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए मैं अपना अकाउंट क्रिएट करता हूँ और अपनी डिटेल्स एंटर करता हूँ। तो ये देखिए, मैं अपनी डिटेल्स एंटर कर रहा हूँ। सबसे पहले अपना मुझे मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद OTP जनरेट करना है। जैसे ही OTP आएगा मुझे उसे एंटर करना है। तो फ्रेंड्स, मैंने OTP एंटर कर लिया था और मेरा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। और ये रहा इनका ऐप, और कितना सुंदर बना हुआ, बहुत मतलब स्मूथली मतलब चल रहा है। कुछ वो नहीं है कि आपको स्टक हो जाओगे कहीं पे, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए अब मैं अपनी टिकट बुक करता हूँ। ये मैंने अपनी डेट सेलेक्ट कर ली है। अब मैं इसमें पैसेंजर्स ऐड करूँगा। ये देखिए, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तो एडल्ट के लिए 1 और नीचे इन्फेंट के लिए तो उस वो तो मेरे साथ कोई है नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये टाइमिंग्स दे रखे हैं। इस टाइमिंग्स के अकॉर्डिंग आप अपना शेड्यूल कर सकते हो, आपको कब ट्रेवल करना है, इस पर कब फेरी में आना है, M2M फेरी में। तो चलिए, मैंने जो स्लॉट बुक किया है वो किया है 11:10 का। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना स्लॉट बुक कर लिया। आप भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग स्लॉट बुक कर लेना आपको जब कन्वीनियंट लगे। तो मैंने 11:10 का बुक किया था। तो फ्रेंड्स, ये इसके चार्जेस दे रखे हैं, तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने चार्जेस। तो प्लीज़ आप रीड कर लेना इसको आप में जब आप विज़िट करेंगे, नहीं तो मैं अभी करूँगा तो फिर बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। तो चलिए, मैंने सेलेक्ट किया है 460। तो अब हम आगे मूव करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो अब ये लोड हो रहा है। लोड होते ही आपको अब रिटर्न आना है। रिटर्न के भी टाइमिंग्स दे रखे हैं। तो मैं रिटर्न आ रहा हूँ 12:45 पे। मुझे आगे अलीगढ़ नहीं जाना है, तो इसलिए मैंने वापस रिटर्न जल्दी ही करा लिया उस पर आधे घंटे के गैप में। तो मैंने वही वापस से 460 सेलेक्ट किया है। तो मैंने अब इसके बाद नेक्स्ट कर दिया है। नेक्स्ट करने के बाद अभी फाइल लोड हो रही है, अपना टिकट बुक हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पे अब मेरी डिटेल्स मांग रहा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। तो मैं वो एंटर कर रहा हूँ अपनी डिटेल्स। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी डिटेल्स एंटर कर दी हैं और ये हो गई है मेरी टिकट बुक। आप देख सकते हैं, वैसे आप होल्ड करके देख लेना। तो चलिए, अब मुझे पेमेंट करनी है। तो पेमेंट करने के लिए नीचे मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को, उस पर टिक करना पड़ेगा और आगे कन्फर्म करना पड़ेगा। तो अब हम आगे प्रोसीड कर रहे हैं। और ये देखिए, आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे कैसे कैसे आपको टिकट बुक करनी है। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, किसी भी अपने पेमेंट जो मोड है आप बुक कर सकते हैं उसे। तो ये देखिए, ये होगी है मेरी टिकट बुक। तो फ्रेंड्स, इसमें आप अपने व्हीकल भी ला सकते हैं। व्हीकल के साथ अपना जो आपका 4-व्हीलर है, 2-व्हीलर है, साइकिल है, बाइसिकल, तो उसके चार्जेस दे रखे हैं। तो आप उसको भी प्लीज़ आप रीड कर लेना। अपने आपके पेट्स भी इसमें अलाउड हैं। और ये आ चुकी है मुझे मेल इनकी तरफ से। तो मेरी होगी है टिकट बुक। ये रहा मेरा इनवॉइस। तो मैं इनवॉइस को करता हूँ ओपन। तो कर लिया है मैंने अपना इनवॉइस ओपन। तो ये देखिए, ये होगी मेरी टिकट बुक। तो इनकी जो ऐप है बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से स्मूथली चल रहा है, स्मूथली रन कर रहा है। और मैंने इनको ईमेल पे भी कुछ पूछा था, अगर आपको कुछ भी कुछ क्वेरीज वगैरह हो तो आपको इंस्टेंट आपको रिस्पॉन्ड कर देंगे। कोई डिले नहीं करेंगे कि 3 घंटे 4 घंटे, नहीं, आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स आपको रिप्लाई कर देंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और प्लीज़, अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप प्लीज़ आप में जाइएगा और अपनी टिकट बुक कर लीजिएगा अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।